भाई इस तरह की अभी चुनाव के चक्कर में तो जो है पैसे को भाव सरकार ने बढ़ाए नहीं, उसे पता है चुनाव चल रहे हैं हर जगह, और जब जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं 11 तारीख को 100% पैसे बढ़ जाएंगे, कम से कम 15 से 20 रुपये तक बढ़ेंगे पैसे, सिवाय नुकसान के सरकार के अलावा किसी को भी फायदा ना होगा, सरकार को ही फायदा होगा, जितना भी होना है सरकार पैसा कमा रही है, लाखों करोड़ों रुपये सरकार ने वसूल लिए पेट्रोल और डीजल से ही, और तेल गैस और बाकी चीज़ें तो अलग रहीं, बाकी तो सब पेट्रोल से डीजल से इतना कमा लिया सरकार ने, फिर भी देश के ऊपर इतना कर्जा है, इतना कर्जा है, बहुत कर्जा है देश के ऊपर। रेट बढ़ने की उम्मीद है, जैसे दो देशों में झगड़ा चल गया है, इसमें कोई सरकार का रोल नहीं है, लेकिन इसमें दो देशों की लड़ाई है ना, तो इसलिए उसके ऊपर कोई रेट बढ़ने की संभावना है सर। और इससे जो है पंप की सेल भी कुछ ज़्यादा, लोग कस्टमर टूट रहे हैं, बोले यार पेट्रोल महंगा हो रहा, भरा के रख लो, भरा लो, ये है। लगभग 10-20% ज़्यादा भीड़ है सर, इस हिसाब से ज़्यादा भीड़ है लगभग हिसाब से, मतलब सेल पर ही फ़र्क पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। हाँ कस्टमर सोच रहा, बोले यार महंगा 10-12 रुपये बढ़ेंगे, तो बोले यार महंगा हो रहा है इसलिए, बोले रख लो, इसलिए बढ़ा के रख लो, ये है सर।